दोस्तों, हम लोग जिंदगी में एक बार नहीं, इवेंचुअली बहुत बार ऐसा कुछ काम कर जाते हैं जो बल्कि अच्छा नहीं है, पर उसी के साथ हम लोग ये भी समझ लेते हैं और सोच लेते हैं कि अगर मैं कुछ बुरा काम करता हूँ तो दिन में एक बार भगवान का नाम लेने से वो बुरा काम, जो बुरे जो हम लोग कर्म किए हैं, वो भी मिट जाते हैं। तो ये कितना सही है, हम लोग इसके ऊपर आज विचार करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शोभन, एक मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच हूँ। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस चीज का मिलके हम लोग आज इस लेबोरेटरी में बैठ के कुछ ऐसा कुछ अच्छा निष्कर्ष निकालते हैं जो हम लोग का दिमाग में जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको आज हटा दे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था अलीगढ़ से अमरेंद्र धुज ने। अमरेंद्र जी का यही क्वेश्चन था जो आपको मैंने बताया, हम लोग हर समय बुरे जो काम करते हैं, सोच के या बिना सोच के, उसके बाद हम लोग अगर खुद को शुद्धि के लिए कोई भी भगवान का हम लोग अगर नाम लेते हैं या नाम को जप करते हैं तो ये जो पाप कर्म है वो मिट जाता है। तो ये कितना सही है। तो ये वीडियो आज सिर्फ अमरेंद्र जी के लिए नहीं, हम लोग हमारे जिंदगी में, घर में कोई बुजुर्ग रहता है, सभी लोग यही चीज कभी ना कभी एक बार ना एक बार किया है या करता रहता है। सही है कि गलत, आप लोग जज करेंगे, आप लोग विचार कीजिए इसको। ये जो अमरेंद्र जी ने क्वेश्चन किया था आज, ये बहुत एक जस्टिफाइड क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन का आंसर इतना भी सरल नहीं है, इतना भी इजी नहीं है। तो मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में कि कुछ हल्का सा एक ओवरव्यू आपको मिल जाए। पहले हमको समझना होगा भगवान क्या है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर भगवान का कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हो तो ये कर्म भी समझ जाओगे। कर्म के ऊपर भी ये वीडियो पहले से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ इन शॉर्ट, पर इस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। दोस्तों, कर्म क्या है? हम लोग जो हाथ पांव से करते हैं ये एक प्रकार की कर्म है, पर हाथ पांव जो चल रहा है उसके पीछे हम लोग का बुद्धि है और हम लोग का जो एनर्जी है बॉडी का, वो फ्लो होता है जब, तब हम लोग कुछ काम करने के लिए इनिशिएट होते हैं या प्लान करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो प्लान करते हैं वो कितना प्रतिशत सही है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी के लिए। तो कर्म क्या है अल्टीमेटली? कर्म यही है जो हम लोग हाथ पांव से करते हैं या हाथ पांव से बढ़कर जो हम लोग का दिमाग जो चलता है, जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारा दिमाग में काम करता है, जो हम लोग का थॉट प्रोसेस है, जो हम लोग का एनर्जी है, सारा कुछ दोस्तों मिला के एक कर्म होता है जो आप लोग के साथ ही चलता रहता है इंडिविजुअल और आई कैन से इनविजिबल वे में। जैसे आप हवा जो होते हैं, आप सांस तो ले रहे हो पर इस हवा को आप देख नहीं सकते हो, वैसे ही ये कर्म होते हैं दोस्तों। हम लोग जो बुरे कर्म करके भूल जाते हैं, पर ये हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में या हम लोग कहीं पर भी आत्मा में ये जो कर्म है वो अटैच हो जाता है। तो आप जितने भी जन्म लेते हो वो कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता है। मैं बोल सकता हूँ कभी कभी जो आप कर्म करते हो इसी जन्म में उसका फल मिलता है, पर ऐसा बहुत सारा कर्म है जो आप पिछले किए हुए हो जो अभी आपका फल दे रहा है, ये होता है दोस्तों। तो कर्म हमेशा अच्छा करना चाहिए। किसके लिए? खुद के लिए, भगवान को छोड़ो। अभी भगवान का जो कॉन्सेप्ट है अभी तो पूरा बिजनेस हो गया है, भगवान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैंने बताया मैं बोलूंगा, पर भगवान का साइड अभी छोड़ो, अभी सिर्फ फोकस करो अपने कर्म के ऊपर। कर्म मतलब जो सोचते हो, जो बोलते हो, ये जो एक्शन है इसके ऊपर आप फॉलो अप करो। कर्म अच्छा करो, बुराई मत करो किसी का बुरा सोचो मत, ये सब करो पहले, ये कर्म को पहले अच्छा करना होगा आपको। बाकी आप जो जाप करते हो भगवान का, उससे कुछ फायदा नहीं है, मैं इन शॉर्ट इसको मैं कह सकता हूँ। आप गलत कर्म करते जा रहे हो और साथ साथ में भगवान का भी पूजा करते जा रहे हो या जाप करते जा रहे हो, कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों। ये आप मेरा जो बात है आप नहीं भी सुन सकते हो, दिक्कत कोई नहीं है, आप अपने जीवन में फेस ऐसे ही करते रहोगे। मेरा ये आपका दरखास्त है
आप भगवान का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए अभी, भगवान क्या है कैसा है उसका कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ। पर ये जो क्वेश्चन था कि भगवान का नाम लेते हुए भी अगर हम लोग कुछ पाप कर्म करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है, डेफिनेटली मिलता है दोस्तों, और वो बुरा ही होता है। आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो आपके लिए भी बुरा वो होगा। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो, मैंने आपको बताया है ये जो पृथ्वी है गोल है, जो आप दोगे वैसे ही आप पाओगे। ये जो सिंपल सा फंडा है अगर आप समझ लेते हो, उसके ऊपर भगवान को आपको जानना की जरूरत नहीं होगा। पर फिर भी अभी भगवान को लेकर बिजनेस चल रहा है सभी के लिए, तो इसीलिए मैं भगवान के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ वो कंसेप्ट जो है शेयर करूंगा। पर उससे पहले मैं आपको दो वीडियो बताया, वो वीडियो दोनों देखिए, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। डेफिनेटली उस चीज को चेकआउट कीजिए वो दो वीडियो को, और इस वीडियो को भी एक बार डेफिनेटली देख ही तो रहे हो, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट में वीडियो में मैं आपको भगवान के ऊपर पूरा चीज बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ समझा पाया। अगर आपको इससे कुछ मदद मिल रहा है और लोगों को मदद करने की कोशिश कीजिए, लोगों को हेल्प कीजिए। आप क्वेश्चन आएगा लोगों हम हेल्प क्यों करें वीडियो को शेयर करके, तो हेल्प क्यों करना चाहिए इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, देखिए वो भी एक बार। तो उसके बाद आपका मन चाहे तो शेयर कीजिएगा अगर किसी का भला चाहते हो, और नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। तो इसी नोट पे दोस्तों, इसी उम्मीद को लेकर मैं आज ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।